हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सुमन जोशी की एक कविता सुनाने वाला हूँ। वो कहती हैं कि प्रेम को समझने के लिए सिर्फ प्रेम कहानियाँ और कविताएँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है माँ को चाय में चीनी कम डालते हुए और पापा को उनकी चाय की तारीफ करते हुए मैंने देखा है। प्रेम को समझने के लिए सिर्फ लिखा जाना जरूरी नहीं है कोई प्रेम ग्रंथ। मैंने देखा है काकी को कपड़ों और जिंदगी की तहों को समेटते हुए और काका को बची हुई कड़ी में छौंक लगाते हुए मैंने देखा है। प्रेम को समझने के लिए सिर्फ तस्वीरें या प्रेम पत्र संभालना जरूरी नहीं है। मैंने देखा है फूफी को हर शाम छज्जे से बाट निहारते हुए और फूफा को दिन भर की मशक्कत के बाद मुस्कुराते हुए मैंने देखा है। प्रेम को समझने के लिए सिर्फ जरूरी नहीं है मनाना कोई प्रेम दिवस। मैंने देखा है जीजी को हरी कांच की चूड़ियों के साथ खनकते हुए और जीजा को सुनहरे पंखों की उड़ान देते हुए मैंने देखा है। प्रेम को समझने के लिए सिर्फ सात फेरों में बन जाना जरूरी नहीं है। मैंने देखा है एक दोस्त को दूसरे दोस्त के मौन के शब्दों को पिरोते हुए और दूसरे दोस्त को उन शब्दों में भाव संजोते हुए मैंने देखा है। प्रेम को समझने के लिए सिर्फ प्रेम की कविताएं लिखना जरूरी नहीं है, बल्कि कविताओं में प्रेम होना भी जरूरी है। थैंक यू सो मच। एक कामयाब इंसान की कामयाबी को हर कोई कॉपी करता है, लेकिन उसने जो कामयाबी की कोहिनूर हासिल करने के लिए सूरज चांद का घोल बनाकर सालों साल पिया था, यकीन मानिए ये वो लोग होते हैं जिनके हौसलों का वजन हिमालय से ज्यादा होता है। और एक बात आप याद रखिए, एग्जाम में बैठा हुआ इंसान ही पास या फेल हो। इंटरटेनमेंट का डोज मिलेगा हर रोज सिर्फ एडिक्टेड अड्डा पर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।